नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश जी की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश जी के अनन्य भक्त थे। जरूरतमंदों की सेवा को हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। सारा परिवार उन्हें बहुत प्यार करता था, परंतु सब कानाफूसी करते कि सेठानी बांझ है। इस बात से वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करके जब वह मंदिर से बाहर आए तो देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक 4-5 साल का बच्चा बैठा है और रो रहा है। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि शायद बच्चे के माता पिता कहीं आसपास होंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो उस बच्चे को पुजारी जी के पास ले गए और बोले, पुजारी जी, ये बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं नहीं हैं। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को अपने घर ले जाएं। यदि कोई इस बच्चे को ढूंढता हुआ आएगा तो हम उसे आपके घर भेज देंगे। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने घर ले गए। जब कई दिनों तक कोई उस बालक को लेने नहीं आया तो सेठ सेठानी ने उस बच्चे को गांव के सरपंचों की सलाह से गोद ले लिया। सेठानी ने उस बच्चे का नाम गणेशा रखा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी वहां आ गए और उन अनजान पति पत्नी को मंदिर की सीढ़ी पर बैठा देख उनसे पूछने लगे, क्यों भैया, क्या बात है, यहां कैसे बैठे हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी बोले, क्या आपका बच्चा गुम हो गया है? तुरंत ठग पति पत्नी ने कहा, हाँ हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। पुजारी जी ने पूछा, कितने समय पहले की बात है? वो दोनों अनजाने में बोले, यही कुछ 4-5 साल पहले की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत हो, आपका बच्चा यहीं इस गांव में है और एक सेठ के यहाँ पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ के घर ले गए। जब सेठ जी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं, तो वो बहुत दुखी हुए। सेठानी भी बहुत रोई। सेठ जी उनसे बोले, आज तो बहुत रात हो गई है, आज रात आप यहीं ठहरें और कल सुबह गणेशा को ले जाना। ठग पति पत्नी तो चाहते ही ये थे, वो बच्चा लेने नहीं बल्कि सेठ जी को ठगने आए थे। सेठ जी ने उन्हें अतिथि गृह में ठहरा दिया। वो दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। उधर सेठ सेठानी को नींद नहीं आ रही थी, वो दोनों बहुत दुखी थे। आधी रात के बाद वो दोनों पति पत्नी धीरे धीरे हर कमरे की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते तिजोरी वाले कक्ष में पहुंच गए। आवाज सुनकर घर के नौकर की नींद खुली तो उसने कमरे में उन दोनों को देखा और कमरा बाहर से बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर, घर में चोर घुसे हैं। सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। सेठ जी ने कमरा खोला तो ठग पति पत्नी को चोरी करते हुए पकड़ा। तब वो बोले कि ये दोनों तो चोर हैं, हम गणेशा इन्हें नहीं देंगे। उधर उन्हें अपनी योजना विफल होती दिखी तो वो दोनों जिद पर अड़ गए कि ये बच्चा हमारा है और हम इसे लेकर ही जाएंगे। तब गांव के सरपंचों ने फैसला किया कि सूर्य देव के सामने सेठानी को और औरत को खड़ा कर देते हैं और दोनों के सामने गणेशा को खड़ा कर देते हैं। जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब गणेश जी की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में आ गई और सभी लोगों में गणेश जी की जय जयकार करी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।